क्वेश्चन है, सात पेटी का वजन 5 किलो है तो 250 पेटी का वजन कितने किलो होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, जिसमें कि देखिए सात पेटी है, कितने पेटी है, सात पेटी है किसी भी वस्तु का और उसका उसका जो वजन है वो कितना है, वो है 5 किलो। कितना है? 5 किलो है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 250 पेटी का वजन कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 250 पेटी का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सिंपली एक एक नियम लगाएंगे और एक एक नियम के हिसाब से यहाँ पर हमें क्या करना होता है। ये जो सात पेटी का हमें वजन 5 किलो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, एक एक नियम यहाँ पर लगाना होगा। तो एक एक नियम क्या कहता है, एक एक नियम ये कहता है, जिसको कि अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें ये बताया जाता है कि जो जानकारी हमें दी गई है उसमें से हम एक एक वस्तु का, यानी एक का हम दाम निकालेंगे, एक का हम यहाँ पर मान निकालेंगे, और जब एक का आ जाएगा तो यहाँ पर जितने भी पेटी का हमको पूछा गया है उतने पेटी का हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक पेटी का हमसे पूछा गया है तो एक पेटी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी ऊपर है, जो भी बराबर के इस तरफ जो भी अंक है वो अंक तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर हमें एक का निकालना है तो यहाँ जो भी जानकारी शुरू में दिया गया था वो बट्टे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बट्टे में। तो अब देखिए, सात पेटी का जो वजन था वो 5 किलो था, लेकिन अगर एक पेटी का पूछा जाएगा तो एक पेटी का एक एक नियम से कितना होगा, एक एक नियम के हिसाब से ये हो जाएगा 5/7 किलो। अब देखिए, यहाँ पर 250 पेटी का हमको चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक का हमको मिल चुका है, इसी में हम क्या करेंगे, जितने पेटी का हमको चाहिए उतने का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब जब हम गुणा करेंगे तो 0 का 0 यहाँ लिख लेते हैं, 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 2 10 और 2 12, और यहाँ पर आ जा रहे हैं 7, ठीक है। तो देखिए, ये बन गया 1250/7। अब चूंकि देखिए, ये यहाँ इस तरफ किलो थे, तो ये जो हमारा जो भी भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में आया है, किलो आया है, अब इसी किलो को हम यहाँ पर भाग कर देंगे। अगर 1250 में 7 से हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक्चुअल हमारा केजी आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भाग करके। तो देखिए, यहाँ पर ये एक छोटा है तो हम 2 लेंगे, मतलब 12 को लेकर चलेंगे, तो एक बार में 7 1 का 7 आएगा, जबकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, ये जो इसके 2 के बगल वाला 5 है, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कितनी बार ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले जा सकते हैं 7 बार, 7 7 49 और 7 8 56, तो 7 बार हम यहाँ पर ले जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आएगा 49। अब यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो ये हासिल इसमें चला जाएगा, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पर ये 0 क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे।
अब अगर हम देखें तो सात के पहाड़ा में कितनी बार में जा रहा है, तो ये जाएगा 7 9 63 हो जाएगा 9 बार में, तो हम 8 बार इसको ले जा सकते हैं। 7 8 56, यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 0 गया, कुछ नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर ऊपर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर दशमलव लगाना होगा और यहाँ पर 0 बढ़ाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दशमलव के बाद हमें कितनी अंक तक ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जब बात किलो की हो तो दशमलव के बाद 3 अंक तक हम ले जाते हैं। कितने अंक तक, 3 अंक तक हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको 3 अंक तक सॉल्व करेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, किलो, दशमलव के इस तरफ वाला हो जाएगा किलो और दशमलव के इस तरफ वाला हो जाएगा ग्राम, ठीक है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसीलिए देखिए इसमें 3 जीरो है, तो यही 3 जीरो तक यहाँ पर हमें दशमलव के बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे ले जाते हैं। तो देखिए फिर से 7 5 35, ये 5 बार में गया, फिर से यहाँ पर 5 बच रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 बचेंगे। अब यहाँ पर दशमलव चूंकि लग चुका है तो हम 1 जीरो ले जा सकते हैं, तो 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 1 बच रहा है। अब यहाँ 1 बार फिर से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव हमने जब लगा दिया है तो हर बार जो बचेगा उसमें 1 जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने बढ़ाया, यहाँ पर बढ़ाया और लास्ट टाइम हम लोग यहाँ बढ़ा दे रहे हैं। अब ये 10 हो चुका है, तो 7 1 7, इस तरह से और भी जाएगा, लेकिन हमें और ज़्यादा ले जाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारा आ चुका है आंसर। तो यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 178.571, यहाँ पर इतना किलो आएगा, इतना क्या आएगा, इतना किलो आएगा, ठीक है, 178.571 किलो आएगा। अगर आप इसको शुद्ध भाषा में समझना चाहें तो 178 किलो आएगा और यहाँ पर 571 ग्राम आएगा, यही हमारा आंसर होगा अगर हम 250 पेटी अगर हम लेते हैं तो इतना किलो उसका वजन होगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि कैसे ये हुआ है। अब बहुत सारे साथियों का हमारे ये क्वेश्चन रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हम मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से हमें मोबाइल ट्रिक बता दीजिए कि मोबाइल ट्रिक, या फिर अगर आप इसको कहना चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर ट्रिक भी कह सकते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक इसका क्या बनेगा और हम कैसे कैलकुलेटर से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेटर ट्रिक से समझना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर करना क्या होगा, देखिए अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटली जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 7 पेटी दिया गया है और यहाँ पर 5 किलो दिया गया है और यहाँ पर 250 पेटी का पूछा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डाटा दिया गया है और अक्सर करके जो एक एक नियम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे ही कि इतने का इतना हुआ तो इतने का क्या होगा, उतने का उतना हुआ तो उतने का क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रिक है करने का क्या है, आप ऐसे और भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको समझिए। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के क्या पूछा गया है, कितने किलो, क्या पूछा गया है, कितने किलो। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7 पेटी 5 केजी या किलो, तो 250 पेटी कितना किलो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही हमें 3 डाटा दिया रहता है और चौथे का मान हमको पता लगाना रहता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको समझिए,
कितने किलो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कितने किलो। तो जो भी यहां पर आपको पूछा गया है यानी कि जिसमें आपका आंसर आने वाला है, तो आप हमें बताइए कि यहां पर कितने किलो पूछा गया है। तो अब इसमें जो भी डाटा आपको दिया गया है आप किलो वाला सबसे पहले एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, जो पूछा जाए उसका जो यूनिट हो, उस यूनिट में जो भी यहां दिया गया हो उसको आप यहां पर पहले एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहां कैलकुलेटर हमारा खुला हुआ है, अभी ये एंट्री हम लोग यहां करके देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम 5 एंटर कर दिए, कितना एंटर कर दिए, चलिए 5 मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए यही हमें चाहिए था तो सबसे पहले हमने इसी को एंटर कर दिया। अब इसका मेथड समझिए, यहां पर कुल मिला करके आपको भाग लगाना है और गुणा लगाना है, भाग लगाना है पहले और फिर गुणा लगाना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यही दोनों लगाना है। तो एक एंट्री हमारी हो चुकी है, ये पता हम कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा कि जो हमें निकालना है। अब इसके बाद यहाँ डिवाइड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वाला डाटा है, इसी के सामने जो दूसरा वाला डाटा है उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे, 7 एंटर करेंगे। 7 एंटर करने के बाद हम यहाँ पर देखिए गुणा है तो गुणा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। और गुणा लगाने के बाद कितने का पूछा गया है, 250 पेटी का, तो यहाँ पर हम 250 एंटर कर देंगे। तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर 250 एंटर करते हैं, देख लीजिए दोस्तों कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 178.571। अब देखिए ये जो रिजल्ट आ रहा है, बहुत से लोग तो इसको देख कर घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो पुराने व्यूअर हैं उन वो घबराते नहीं हैं बल्कि वो आसानी से इसका जवाब दे लेते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो आ रहा है कितने किलो आ रहा है, तो कितने किलो आ रहा है, तो इसमें से जो हमें लेने की ज़रूरत है 0.3 अंक तक, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है 3 अंक तक ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये 3 अंक लेंगे और ये हमारा केजी में आ रहा है, कितना किलो है वो आ रहा है। अगर हम इसको लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 178 केजी और 571 ग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कोई दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चीज अगर आप है, कोई अन्य वस्तु है, तो उसका दाम भी आप इसी तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन फैक्टर्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मोबाइल में बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को स्टार पॉइंट बनाकर रख लीजिए कि अगर केजी वाली बात है तो जो भी हमारा रिजल्ट कैलकुलेटर में आता है हमें 0.3 अंक तक, 0 के इधर तो लेते हैं उसके बाद 3 अंक तक लेना होता है केजी वाले प्रॉब्लम में। और रुपया पैसा वाला अगर प्रॉब्लम है तो हमें जो भी हमारा रिजल्ट कैलकुलेटर में आता है 0 के बाद हमें 2 अंक लेना होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखिए क्योंकि 1 रुपया में होते हैं 100 पैसे, इसीलिए इसमें 2 जीरो हैं तो 2 ही अंक तक लेना है, और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं इसमें 3 जीरो हैं तो यहाँ 3 अंक तक ले जाना पड़ता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक समझ आया होगा हिसाब किताब से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और कमेंट के साथ।